2B, 5B या 8B पेंसिल्स, मैकेनिकल पेंसिल्स, ब्लेंडिंग स्टम्प्स और एक शार्प एज इरेजर, ये सब एक डिटेल्ड आर्टवर्क की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पर मान ले कि आपके या मेरे पास केवल एक साधारण इरेजर और एक पेंसिल है, तो हमको क्या मुश्किल आ सकती है? तो अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जो हमको इस आर्टवर्क को बनाने में आने वाली हैं, जैसे कि फेशियल हेयर, रिंकल्स और एक्सप्रेशंस। इनमें हमको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारे आर्टवर्क में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स और हाइलाइट्स हैं जिन पर केवल हम अपनी पेंसिल से ही काम कर सकते हैं, और इस आर्टवर्क के शेडोज और मिडटोन्स के आसपास शेड्स को ब्लेंड करने के लिए हमको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यही थी कुछ मुश्किलें जो हमको इस आर्टवर्क के साथ आने वाली हैं। वीडियो में आगे चलकर हम बात करेंगे इन्हीं मुश्किलों के सॉल्यूशंस की। मुश्किलों की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं उनके समाधान की। शुरू करते हैं शेडिंग से। शेडिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग वगैरह वगैरह। मैं हमेशा से स्क्रबलिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल करता आ रहा हूँ अपने शेड्स को ब्लेंड करने के लिए। इस टेक्निक में हमको केवल एक सर्कुलर मोशन में शेडिंग करनी है, अपने शेड के सबसे डार्क एरिया से चालू करके और फिर सबसे लाइट एरिया तक जाना। इस टेक्निक का फायदा यह है कि हमको अपने शेड्स को ब्लेंड करने के लिए कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। हमको केवल एक सर्कुलर मोशन में शेडिंग करनी है अपने रेफरेंस के अनुसार। तो इस टेक्निक से आप बड़े एरियाज में तो शेडिंग इजीली कर सकते हैं, लेकिन छोटे एरियाज का क्या? तो ऐसे एरियाज के लिए मेरी अप्रोच यही रहती है कि मैं उतना ही एरिया शेड करूं जितना रिक्वायर्ड है या उससे थोड़ा कम, और अपने शेडिंग प्रोसेस को डिवाइड कर दूं लेयर्स में, जहां सबसे पहली लेयर मेरी सबसे लाइटेस्ट लेयर होगी, और जैसे जैसे हमारी लेयर्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारे शेड्स भी डार्क होते जाएंगे। शेडिंग प्रोसेस को रिक्वायर्ड एरिया से कम और एक लाइट लेयर के साथ चालू करने का फायदा ये है कि हमको बार बार इरेजर यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब हमारी ड्राइंग के शेडोज या दूसरे डार्क हिस्सों का क्या? 8 या 9 भी पेंसिल तो हमारे पास है नहीं। बड़े और डार्क एरियाज के लिए आपके पास केवल एक सॉल्यूशन है, या पेंसिल पर थोड़ा प्रेशर लगा के शेडिंग करें और उसके साथ साथ अपनी पेंसिल को होल्ड करें 90 डिग्री के एंगल पे। इससे आपको कम एफर्ट्स के साथ भी थोड़े ज्यादा डार्कर शेड्स मिलेंगे। ये अप्रोच थी हमारे टोटली डार्क एरियाज के लिए, बट जैसे जैसे ये एरियाज थोड़े लाइटर एरिया में ट्रांजिशन करें, तभी आपको मेरी बताई हुई स्क्रबलिंग टेक्निक का भी यूज करना है ताकि आपके शेड्स हमसे ब्लेंड हो जाएं।